हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो डियर फ्रेंड, आज मैं लेके आया हूं ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक। मैंने बताया था मैथ 4 में पूरा, मतलब यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक पूरा वही का वही क्वेश्चन आया था। अब आज मैं लेके आया हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लोग नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज मैं इसका जितना क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ अपने सिस्टम का, मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, मतलब सॉल्यूशन के साथ। इधर देख सकते हैं मैं पूरा इसका सॉल्यूशन लिखा हूँ पीछे इधर। तो अभी मैं बता रहा हूँ केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैं पूरा इसका लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। लिखने के बाद पूरा समझाऊंगा अच्छे तरीके से। आपका जो लेक्चर होगा कम से कम 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा होगा और उसी में पूरा आपका हो जाएगा कवर, एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा। अब जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ये आ जाएगा। देखिए, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 20 नंबर का। और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, इधर 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 क्वेश्चन में से या फिर तीन क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करना है, तो उसी में से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आ जाते हैं। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और यहाँ पर इसका फंक्शन क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर होता है, और पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या यहाँ पे डिफरेंस होता है, ये बताना है आपको। ठीक, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको बताना है कि आप प्रोसेस से क्या समझते हो, और अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि PCSB मतलब प्रोसेस PCB यानी कि एक्सप्लेन करना आपको कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। और आपका जो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज डेडलॉक, डेडलॉक से मतलब डेडलॉक क्या होता है, और आपको इसका एविडेंस जो है एक्सप्लेन करना है। 5वां क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है एंड हाउ द सैम्पल्स इज यूज टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ठीक, 6वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ये हमारा है कि शेड्यूलिंग क्या होता है, और जो है आपको एक्सप्लेन करना है कि टाइप्स ऑफ CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सात दिया गया कि पेजिंग क्या होता है, कि हमारा जो मैनेज मतलब कि मेमोरी मैनेजमेंट होता है, इस मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग क्या होता है ये बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर एट दिया गया है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन का एक मतलब जो कॉन्सेप्ट है ये बताना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे दिया गया है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि डिस्क स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है, डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो क्वेश्चन 9 नंबर मतलब 1 से लेकर के 9 तक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इन सारे का मैं सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ पक्का। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर दस ये बताना है कि व्हाट इज डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है और इसके टेक्निक्स क्या होते हैं, उन सारे टेक्निक्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि फाइल सिस्टम इंटरफेस से आप क्या समझते हो, मतलब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि फाइल सिस्टम इंटरफेस क्या होता है, और यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि फाइल सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है उसको आपको यहाँ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि लॉजिकल एंड फिजिकल फाइल सिस्टम क्या होता है, और एक्सप्लेन करना है कि वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सेस मेथड इन द फाइल सिस्टम। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, मतलब 1 से लेकर के 13 क्वेश्चन तक अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरा। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अभी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं,
पूरा यूनिट एक से लेकर के यूनिट पाँच तक जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जितना है इस पूरा मैं सॉल्व कराऊंगा। अभी इसको देखना, पहले देख लीजिए, अभी मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लेक्चर के साथ बढ़िया तरीके से बताऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा क्वेश्चन तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हैं उसका लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।